आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और भाईचारे को खत्म करने के लिए भाजपा पर आरोप भी लगाया। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, किसानों की बदहाली पर कोई चर्चा नहीं, माता बहनों की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं, प्रदेश में सिर्फ बुलडोजर राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है, इसीलिए और मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा देश हित की और जनता के हित की बात करती है और एक ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को पहुंचा दिया है जहां पर देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी के सवाल पर कोई चर्चा नहीं, किसानों की बदहाली के सवाल पर कोई चर्चा नहीं, उनके फसल की बर्बादी के सवाल पर कोई चर्चा नहीं, माताओं बहनों की सुरक्षा के सवाल पर और बढ़ते हुए अपराध के सवाल पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा क्या हो रही है? नकली सवालों के ऊपर चर्चा हो रही है, बुलडोजर राजनीति चल रही है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का माहौल पिछले दिनों बिगाड़ा। रामनवमी के जुलूस के नाम पर, हनुमान जयंती के जुलूस के नाम पर हम लोग बचपन से रामनवमी का, हनुमान जयंती का जुलूस निकालते आ रहे हैं। कभी हमने नहीं देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कट्टे, तमंचे और तलवारें दी जाएं। ये हमारा हिंदू धर्म नहीं है। हमारा हिंदू धर्म है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। राम की मर्यादा, राम का आदर्श, राम का संदेश, उन्होंने सेबरी के जूठे बेर खाए। निषाद ने उन्हें अपनी नैया से नदी पार कराई। नल नील भालू बानर की सेना बना के उन्होंने रावण का नाश किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके नाम पर बीजेपी दंगे करा रही है। बीजेपी देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये भारत की जनता को कभी स्वीकार्य नहीं होगा। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। हम बाबा साहब के संविधान में यकीन रखते हैं और बाबा साहब का संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां पे हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और सब लोग मिलकर चलेंगे। मस्जिद से पत्थर चलाने वाले भी गलत हैं और नफरत की बातें रामनवमी के जुलूस करने वाले भी गलत हैं। समान रूप से ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो दंगा भड़काने का काम करते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, भारत की धरती पे जो सख्त से सख्त कानून हो वो उनके ऊपर। पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन जारी किया, शिक्षा के क्षेत्र में फैसला लिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फैसला लिया, फ्री बिजली पंजाब में भी जुलाई से होने जा रही है। तो हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने और काम करने में यकीन रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश को नफरत में बांट के बांटो और राज करो की राजनीति पे चलने में यकीन रखती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अब अपने मजबूत संगठन, नगर निकाय के चुनाव की तैयारी और जनता के मुद्दे से, जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पे लेकर काम शुरू कर रही है। किसी भी नई सरकार को कम से कम 100 दिन का समय जरूर मिलना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, लेकिन जिस तरह से आने के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, कभी 5 लोग प्रयागराज में हत्या हो जाती है, फिर 5 लोगों की हत्या हो जाती है, फिर 3 लोगों का गला रेत दिया जाता है गृह जनपद में गोरखपुर के अंदर, ये सब तमाम घटनाएं विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। और मैंने देखा कि बजरंग दल के लोग नोएडा में बलात्कारी को छुड़ाने पहुंच गए। बताइए आप, ये बलात्कारी को छुड़ाने पहुंच जाते हैं, ये डाकुओं के, गुंडों के, माफियाओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं,
तो ये बात इस देश के लोगों को समझनी होगी। दंगे चाहिए तो भाजपा के साथ जाइए, स्कूल अस्पताल चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए।